कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे वीकेंड वाले दिन आज लोहा बाजार के बारे में। आज जानेंगे किस तरह की कीमतें चल रही हैं लोहा बाजार में, बिलेट में आज क्या कीमतें चल रही हैं, इंगट और स्क्रैप के बारे में विस्तार से आज बात करेंगे। इसलिए हमारे साथ आप खबरों में अंत तक जरूर बने रहिए। तो लोहे के बाजार के बारे में बात करते हैं। आज हफ्ते का आखिरी दिन है, वीकेंड है और बाजारों में बहुत ज्यादा तेजी के साथ कारोबार देखा नहीं गया है। कल जो लेवल 47,000 के नीचे जा चुका था, जिसमें गिरावट देखी जा रही थी, आज वही गिरावट बरकरार देखी गई है। मार्केट में बहुत ज्यादा आपको तेजी के साथ कामकाज देखने को नहीं मिल सकता है। और इंगट में जिस हिसाब का कारोबार देखा जा रहा है, उसको देखते हुए बिलेट के दाम में भी गिरावट आई है। 47,000 से नीचे बिलेट का भी रेट बाजार में जा चुका है। मंडी गोविंदगढ़ में बिलेट का आज का रेट 46,400 है। दुर्गापुर कीमतें 43,800 है। रायगढ़ का रेट 43,500 है। रायपुर कीमतें 43,800 देखी जा रही है। कोलकाता का रेट 44,500 है। जयपुर कीमतें 45,500 चल रही है। मुजफ्फरनगर का रेट आप बाजारों में 45,200 रुपए देखकर चल सकते हैं बिलेट में। मुंबई कीमतें 46,500 रुपए चल रही है। गाजियाबाद का रेट 45,600 है और लुधियाना में आप 46,600 रुपए का रेट देखकर चल सकते हैं। अब बिलेट में बाजार में गिरावट दर्ज करी गई है। बात करते हैं इंगट के बाजार के बारे में, तो 46,500 रुपए पर कारोबार हो रहा है एमएस इंगट में, जिसमें 200 रुपए तक की नरमी दर्ज करी गई है। और एमएस स्क्रैप के बारे में अगर बात करते हैं, तो स्क्रैप में भी गिरावट है। 35,300 रुपए का रेट बाजारों में आप यहां से एमएस स्क्रैप में देखकर चल सकते हैं। मार्केट का ओवरऑल जो आज का ट्रेंड है, वो आपको बाजारों में आज वीकेंड वाले दिन निगेटिव ही देखने को मिलेगा। और क्योंकि अगला जो हफ्ता आने वाला हफ्ता है, वो एक्सपायरी का होने वाला है, मंथ एंड होने वाला है, तो बाजारों में जिन्होंने खरीदारी करी थी, उनके प्रॉफिट बुक करने की वजह से भी बहुत ज्यादा तेजी का अनुमान फिलहाल के लिए मार्केट में नजर नहीं आ रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।